अपने आप उन कार्यक्रमों की वजह से गरीबी की ओर धकेल जाता है। मृत्यु उपरांत एक ऐसा फैशन चल पहले था पुराने जमाने में कि बहुत जो मृत्यु भोज होता था उसमें कितने ही गांवों को बुलाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो जागृति समाज में आई और वो चीजें कम होती गई। लेकिन आज भी गांवों में ऐसी परिपाटी है कि एक तो हमारे मेंबर गया, हमारे परिवार से मेंबर गया और उसके बाद हम उसमें कोई लड्डू बनाता है, कोई देखा देखी में कुछ और हलवा बनाता है या और पकवान बनाते हैं। ये कोई एक अच्छी परंपरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, इस ओर आप विचार करें और मेरा इसमें यह प्रस्ताव है कि इस के संबंध में एक मिनटे का बिल्कुल भी चलन नहीं होना चाहिए। जो आप चाहते हैं तो जब कोई छोटे मोटे बच्चों को आप उसका क्रियाक्रम के लाते दूसरे तीसरे दिन जो भी एक छोटा सा फंक्शन करके वो बराबर खत्म करें, ये चीज नहीं होना चाहिए कि उसके लिए पकवान बनाए, उतना पैसा खर्चा कर ले। वो पैसा आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक शिक्षा के नाते खर्च करें या शिक्षा के हिसाब से कोई संस्था खुली हुई है समाज की तो उसमें डोनेट करें, ये एक अच्छा होगा। उसी प्रकार अस्थि विसर्जन के लिए हम लोग जो हरिद्वार पुष्कर जी या चोरूघाट जाते हैं उसमें बाहर के जो पंडे लोग हैं वो पंडे लोग जाने वाले उनको लूटते हैं, मनमाने पैसे लेते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 करके उस क्रियाक्रम के नाम पे। इसमें भी मेरा आप लोगों के सम्मुख ये प्रस्ताव है महासभा की ओर से कि आप लोग कम से कम संख्या में जाएं, एक दो लोग जाएं, जिससे उन पंडे लोगों को ये पत्र अंदाज नहीं लगे। वो लोग आपकी एक गाड़ी भर के जाते हो, 50 लोग जाते हो, 100 लोग जाते हो तो अंदाज लगा लेते हैं कि ये पार्टी पैसे वाली पार्टी है और वो अपना मनचाहा पैसा उनसे मांगता है। तो इसके अंदर आप कम से कम 2 या 3 आदमी भेजें और एक जो वहाँ की लूट थी उसको उन्हें कम करने के लिए अखिल भारतीय रैगर महासभा ने पिछले कुछ महीनों में आदेश दिया दिल्ली प्रदेश को। तो यहाँ के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे अशोक कौमदिया जी उपाध्यक्ष, घनश्याम दास अग्रवाल जी महामंत्री एंड नेताओं जी पिंगोलिया जो अध्यक्ष दिल्ली प्रांत के हैं, इनकी निगरानी में एक टीम हरिद्वार भेजी गई और वहाँ के स्थानीय पंडितों से विचार विमर्श हुआ, काफी मंथन हुआ। मंथन के बाद जिद्दोजहद के बाद ये निष्कर्ष हुआ, उन पंडितों के साथ में ये तय हुआ कि आप 500 रुपये जो भी क्रियाक्रम के लिए आएगा, अस्थियां लेके आएगा, वो 500 रुपये से ज्यादा आप नहीं लेंगे। किंतु कुछ महीनों बाद उसके बारे में वो प्रस्ताव पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उन्हें एक पूरी बस भर करके अखिल भारतीय रैगर महासभा के आदेशानुसार दिल्ली से एक पूरी बस भर के हरिद्वार गई और पुनः लेकर धर्मशाला हरिद्वार में एक सभा का आयोजन किया गया और उन पंडितों के साथ में मीटिंग की जिसमें यह तय हुआ कि 500 रुपये के अलावा एक भी पैसा लेंगे तो आपकी FIR कराई जाएगी और उनके सिग्नेचर लिए एक प्रस्ताव बना करके उसमें हस्ताक्षर हुए और महासभा की ओर से एक सूचना पर लेकर धर्मशाला हरिद्वार में चस्पा किया गया। उसमें हमारे कुछ पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर हैं लिखे गए ताकि किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आए तो इन पदाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। और मैं एकदम आए हुए समाज से निवेदन करता हूं कि वहाँ पे कोई भी इस क्रिया में लिए जाते हैं, अस्थियाँ लेके जाते हैं तो आप कोई भी पंडा आपसे 500 रुपये से ज़्यादा अगर लेने की कोशिश करता है, बहस करता है तो आप पदाधिकारियों से बात करें, अन्यथा स्थानीय पुलिस से जा करके आप उनके अगेंस्ट शिकायत दर्ज करा सकते हैं क्योंकि अखिल भारतीय रैगर महासभा ने वहाँ एक लिखित में FIR से रिलेटेड सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दे रखी है। तो साथियों इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव के संबंध में आप लोगों से अपील करता हूँ कि आज इस सम्मेलन के माध्यम से ये एक
आप उसको प्रस्ताव को मंजूरी दें ताकि कोई भी आदमी वहाँ जाए तो दो तीन आदमियों से ज़्यादा नहीं जाए और 500 रुपये से ज़्यादा उनको नहीं दें। मैं पुनः आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।